بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج جو ہم لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں, پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھے تھے کاؤنٹنگ یونٹ 10 تک, آج جو رہ گئے ہیں وہ والے پڑھیں گے. پچھلے لیسن میں 10 تک پڑھے تھے ہم نے کاؤنٹنگ یونٹ, اور آج اس سے آگے جو رہ گئے تھے وہ پڑھیں گے. यहाँ पे काउंटिंग यूनिट्स अमार्थ की क्या है थोंग, थोंग अमार्थ की क्या है, सॉरी अमारत की गई थोंग, मंजिल की गई है छोंग, चौंग मंजिल की क्या है चौंग, पैकेट की क्या है खो, खो पैकेट की क्या है नंबर 14 बैजी जहाज की इकाई है चौक, बैजी जहाज की इकाई है चौक, और उजारों की इकाई है छारू, उजारों की इकाई है छारू, छारू नंबर 16 में तोड़ा या बोरी की गई है फूदे, बोरी के लिए या तोड़े के लिए फूदे, फूदे गैलन की इकाई है थोंग, थोंग गैलन की इकाई है, बर्तनों की इकाई है
बर्तन के लिए क्रोश, खरत बोल दे रहा, खरत ये सीओ तो नहीं चाहिए, खरत सीओ जब किसी लफ्ज के आखिर पे आए तो ये टे की बात देता है, खरत खरत किसी जगह पे ये क्रोश भी पढ़ा जाएगा, गोरी लोग इसे ऐसे क्रोश पढ़ते हैं, क्रोश भी पढ़ा जाएगा कहीं जगह। नंबर 19 पर बोतल की इकाई, बोतल की इकाई है प्योंग, प्योंग का ये बोतल की, ये हो गया हमारे 19 टोटल। पहले इससे पहले जैसे मैंने पढ़े थे 10 में ये आना ना हो, ये होगी 19 होगी टोटल इकाई। इनमें तकरीबन बोतल, बर्तन और अमारत मंजिल वाली या उजारों वाली ये कहीं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, खेवड़े जो पिछले हमने जैसे मैंने खेवड़े या फ्रावे के लिए बोलनी या म्यों, ये लफ्ज़ जो बार बार किताब में आएंगे। अमारत के लिए थोंग, मंजिल के लिए चौंग, पैकेट के लिए खौ, बहरी जहाज के लिए चौक, औजारों के लिए छारू, बोरी के लिए फूदे, गैलन की इकाई है थोंग, बर्तन की इकाई है क्रोत और बोतल की इकाई है प्योंग। ये था हमारी काउंटिंग यूनिट जो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।